ये हमारी पुचकू है और जो कि अभी रोने लग गई है, इसको भूख लग गई ना, भूख लग गई, अपने टेढ़े टेढ़ा मोडू खा दो, ये खा दो। सबसे अच्छे दिन रहते हैं बचपन के। अभी सोए सोए थोड़ा सा रोने में इसको दूध भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा, और एक हम हैं, हम रोएंगे भी तो एक लात पड़ेगी अब। सबसे अच्छे दिन मतलब बचपन के ही रहते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है जया उपाध्याय। मैं बाबा बागनाथ बागेश्वर की पवित्र भूमि, एक प्यारे से सुंदर से गांव भतौड़ा की रहने वाली हूँ। तो अभी हम बज रहे हैं दिन के 12:30 और हम सेक रहे हैं धूप। आजकल पहाड़ों में काफ़ी ठंड है। ये आई है हमारे घर पे आज रिया, और रिया कल मेला घूम के आई है तो काफ़ी अच्छी शॉपिंग करके लेके आई है। बागेश्वर में आजकल उत्तरायणी का मेला लगा है। उत्तरायणी के मेले में सभी लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा धूमधाम आजकल हो रही है। रिया बताएगी अपने बारे में थोड़ा सा, अपना इंट्रो। रिया, व्हाट इज योर नेम? ये हंस क्यों रही है पागल? रिया, कैसा लगा कल मेले में जाके? बहुत अच्छा। क्या क्या खरीदा? बूट और पैजामा। ओके, और मुन्नू के लिए क्या खरीदा? छोटे भाई का नाम मुन्नू है ना? हाँ। क्या खरीदा उसके लिए? खिलौने। तो रिया बताएगी अपने बारे में कुछ। रिया बताओ अपने बारे में। माई नेम इज रिया उपाध्याय। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। आई रीड इन क्लास 4th। हंसी क्यों आ रही है? पगलू की वजह से हंस रही हूँ मैं। अच्छा, भाभी जी हंसा रही हैं? नहीं। माई मदर नेम इज मिसेस पुष्पा देवी। माई फादर नेम इज मिस्टर हेमचंद्र उपाध्याय। माई ग्रैंड फादर नेम इज मिस्टर फकीरा दत्त। माई ब्रदर नेम इज साहिल उपाध्याय। वेरी गुड, शाबाश। कल मेले में नाक छेदा तो कितनी दर्द हुई? बहुत ज्यादा। डर लग रही थी घर से? हाँ। पहले से सुई से छेदते थे, अभी तो मशीन आ गई है, डायरेक्ट फुल्ली पहना देते हैं वो, है ना? मैं स्टाइल है जिस्सू को चुप कराने का। कर दे। हैं चाची लोगों ने आलू, जो कि काफी अच्छे हो रहे हैं। चाची लोगों का घर वहाँ पे है और शायद अब ये खाने वाले भी हो जाएंगे। अभी नहीं हो रखे हैं, अभी तो इसमें छोटे छोटे दाने भी नहीं हो रहे होंगे। ओ चुन्नू, हमारा बेबी बहुत परेशान हो गया है ना रिया? हाँ। रिया, आजकल स्कूल की छुट्टी लगी हुई है। आज स्कूल खुल गया, मैं नहीं गई। क्यों नहीं गई फिर? ऐसी। दोस्तों, ये चाची लोगों ने आलू वहीं पे लगाए हैं जहाँ पे हमारा धूप सेकने वाला है, और इसमें थोड़ा सा अगर पैर चले जा रहा, हम लोग इसमें चले जा रहे हैं गलती से, तो चाची वहाँ से बौखला जा रही हैं गुस्से से, मेरे आलू कूट दिए। अब इनसे यहीं पे आलू लगाने के लिए किसने बोला था? ये देखो, यहाँ पर हमने कम्बल बिछा रखा और इतना स्पेस है, यहीं पर आलू का पेड़ है। वहाँ पे है चाची का घर, सामने दिखाई दे रहा है। वो यहीं से आएंगी, सबसे पहले यहीं पे देखेंगी कितने आलू आज कूटे हैं करके। जी आ चुके हैं मेहंदी लेके। मेहंदी लगाने का विचार आज है, गोदरेज की मेहंदी लगा रहे हैं सर में, और बाल तो मुझे सही दिख रहे हैं, पता नहीं मेहंदी क्यों लगा रहे हैं। चाचा, क्यों लगा रहे हो मेहंदी? जनेऊ में जाना है? अच्छा, कहाँ कहाँ जाना है जनेऊ में? नहीं नहीं कहाँ, मतलब यहाँ दूर है या यहीं? हाँ, जनेऊ में पंडित जी की काफी रिस्पेक्ट होती है, सबसे ज्यादा फोटो इनकी ली जाएंगी वहाँ पे। और इसीलिए चाचा सज रहे हैं, धज रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, फिर जाएंगे जनेऊ में।
क्यों नहीं भेजूंगी, ब्लॉग है वो। भाभी जी के पुत्र ने तो कर दी है पॉटी और अब भाभी जी करेंगी झोली साफ एकदम पीली पीली। मजा आएगा भाभी अब कैसा लग रहा है आपको ये काम करने में? ज्यादा काम बढ़ गया आपके लिए? बहुत काम बढ़ गया है अलग ही लाइफ होगी होगी ना? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। कलो मेरी पोती छाप, कलो मेरी पोती कर दी, मामा के लिए काम बढ़ा दिया, करो जल्दी। तो आ चुकी है हमारी चाची रानी साहिबा, अब देखना इनका रिएक्शन क्या रहता है आलू के लिए। सगड़ भी फिर आलू, आलू को आपके ठंडा और था तभी हमने सगड़ रख दिया वहाँ पे। देखा ना, देखा ना, मैंने कहा ना चाची आएंगी। वो देखा सबसे पहले आलू पे कमेंट की, उसके बाद बहुत से बातें कर रहे हैं चाची। चाची एक बोरा आलू देना आपको है इस खेत में, एक बोरा आलू हो जाता आपका है। तो धूप सेकने के बाद थोड़ी सी अब मैं आ चुकी हूँ अपनी सीएससी पे, अब मैं सीएससी का काम निपटाती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे समाप्त होता है, अब मिलती हूँ आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार पहला, बाय बाय।